हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वन यूआई के दो ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताऊंगा, दो ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको नहीं पता है। और दोस्तों, वो सेटिंग आपको कहाँ मिलेंगी और कैसे मिलेंगी और उन सेटिंग का क्या काम है, यहाँ पे हमें जो है आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपका डिवाइस जो है वन यूआई में अपडेट हो चुका है या फिर आपका डिवाइस पहले से ही वन यूआई में रन कर रहा है, तो ये ट्रिक जो है आप जरूर देखना। और ये ट्रिक जो है काफी ज्यादा अल्टीमेट है और काफी यूजफुल भी है। तो आप क्या करना है, आपने वीडियो मेरा यहाँ पे पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, वो कौन सी सेटिंग है उसके लिए आपको जाना होगा आपके फोन की सेटिंग पे। सो दोस्तों, फोन की सेटिंग पे आपने चले गए, उसके बाद जाना है आपने लॉक स्क्रीन। हाँ दोस्तों, लॉक स्क्रीन वाली सेटिंग पे जाना है। फिर उसके बाद जाना है आपने सिक्योर लॉक सेटिंग। हाँ दोस्तों, आपने देखा ही होगा यहाँ पे नई सेटिंग आई हुई है सिक्योर लॉक सेटिंग। तो आपने सिक्योर लॉक सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर ये आपके फोन का पैटर्न मांगेगा, जो आपने फोन में पैटर्न रखा हुआ है। तो मैं वो पैटर्न जो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो पैटर्न लगाने के बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो बहुत ही अल्टीमेट सेटिंग आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लॉक ऑटोमेटिकली, जो मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में पूरा नीचे तक बताऊंगा, लॉक ऑटोमेटिकली लॉक द फोन 5 सेकेंड आफ्टर द स्क्रीन टर्न ऑफ, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट द कैट अनलॉक बाय स्मार्ट। मतलब कि आप यहाँ पे जो है टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 सेकेंड रखी है जो कि डिफॉल्ट सेटिंग है। आप जो है लॉक लगाने से पहले इसको 15 सेकेंड भी, 30 सेकेंड, मतलब 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप फोन हाथ में लेते हैं तो अपने आप फोन को लॉक लग जाता है टाइमिंग खत्म होने के बाद। तो आप जो है टाइम को जो है बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट भी कर सकते हैं, 15 सेकंड भी कर सकते हैं। तो मैं से जो है 15 सेकंड ही रखूंगा। तो 15 सेकंड अच्छी सेटिंग है। अगर 5 सेकंड रखेंगे तो उसी टाइम जो है फोन को 5 सेकंड बाद जो है लॉक लग जाता है। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग जो है यहाँ पे लॉक स्टेटिव विद पावर की, ये हमारा ऑन ही रहेगा। जब आप पावर की को दबाएंगे तो आपका फोन जो है ऑटोमेटिकली फटाफट ऑफ जो है लॉक हो जाएगा। उसका ऑटो फैक्ट्री सेट। हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं, मान लो मैंने इसे ऑन कर दिया, तो अगर 15 बार मैं अपने जो लॉक जो मेरा पैटर्न है उसे 15 बार इनकरेक्ट जो है मैं डालूंगा, तो मेरा फोन जो है ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो मेरा डाटा होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये इसीलिए होता है, अगर आपका फोन, मान लो कहीं आप फोन को छोड़ गए हैं और आपके फोन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, या फिर आपका फोन चोरी हो गया है, तो वो जो है बार बार पैटर्न डालेगा कि यार कोई तो गलती से सही लग जाएगा। जैसे ही वो 15 बार इनकोरेक्ट जो है पैटर्न लगाएगा, तो फोन ऑटोमेटिकली हार्ड रिसेट हो जाएगा और आपके फोन का पूरा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। और उस आपका जो पर्सनल डाटा है सब कुछ जो है साफ हो जाएगा। इससे जो है आपका सारा डाटा जो है कोई नहीं देख पाएगा। तो ये ऑप्शन जो है उसी के लिए है। तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है शो लॉकडाउन ऑप्शन। हाँ दोस्तों, शो लॉकडाउन ऑप्शन, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार शो लॉकडाउन ऑप्शन कैसे ऑन होता है। तो ये भी आपका सिक्योर लॉक सेटिंग में आता है। जब आप जो है शो लॉकडाउन ऑप्शन, जब मैं इसको जो है ऑन करूंगा, तो ऑन करने के बाद आप नीचे पढ़ लिया डिस्प्ले ए पावर बटन ऑप्शन दैट टर्न्स ऑफ स्मार्ट लॉक, बायोमेट्रिक अनलॉक एंड नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन। तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने इसे ऑन कर दिया। मैं जैसे कि पावर की को जो है लॉन्ग प्रेस करूंगा, तो मेरे में जो है बिक्सबी अभी ऑन है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो पहले मैं बिक्सबी को जो है यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो बिक्सबी को ऑफ करने के लिए मुझे यहाँ से ये बिक्सबी ऑफ हो चुका है। अब मैं इसे पावर की अभी भी यहाँ पे ऑन है, मैं इसको बिक्सबी को परमानेंटली यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। सो दोस्तों, मुझे वो ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है पावर की फॉर बिक्सबी, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। फिर अब जो है मेरा फोन नॉर्मल हो चुका है। जैसे मैं पावर की को प्रेस करूंगा लॉन्ग, तो देख सकते हो यहाँ पे लॉकडाउन का ऑप्शन आ गया, पावर ऑफ, रीस्टार्ट, इमरजेंसी मोड और लॉकडाउन ऑप्शन। सो दोस्तों, लॉकडाउन का ऑप्शन क्या है, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा फोन जो है वो एकदम से लॉक हो जाएगा और बिल्कुल ही लॉक हो जाए। फिर जो है आप जो है इसे बैक वापिस आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये लॉकडाउन का ऑप्शन इसीलिए, जो आप अपने फोन को डायरेक्ट जो है, मान लो कि आप पावर की को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ से लॉकडाउन पे क्लिक करके जो अपने फोन को लॉक कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। तो उसके बाद जो है आप कौन सी सेटिंग है, तो हमारी सेटिंग कहाँ पे पहुंची थी, तो सिक्योर लॉक की बात कर रहे थे हम, सिक्योर लॉक सेटिंग की। तो यहाँ पे जो है हमारे पूरे ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे लॉक स्क्रीन स्टोरेज। दोस्तों, लॉक स्क्रीन स्टोरेज, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ
एड योर पिक्चर एट लॉक स्क्रीन। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी फोटो जो है लॉक स्क्रीन में रख सकते हैं। तो ये मैं मान लो कि यहाँ पे कोई फोटो सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ये वाली मैंने फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। तो नेक्स्ट वाली जो है यहाँ से मान लो कि मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद जो है मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, मान लो कि मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली। तो आप यहाँ पे तीसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा इसके बाद, अगर आप फोन को लॉक लगाएंगे तो लॉक लगाने के बाद जो है पहले आपकी फोटो आएगी, फिर जो आपने रखी है, फिर उसके बाद जो है जो डिफॉल्ट फोटो है वो आएगी, फिर लॉक लगाएंगे फिर जो है आपकी फोटो आएगी, फिर लॉक लगाएंगे तो डिफॉल्ट फोटो आएगी। इस तरह जो है आप लॉक स्क्रीन में अपनी फोटोज भी रख सकते हैं यहाँ से। तो इसके बारे में शायद कुछ लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो यहाँ से जो है आप रख सकते हैं इजिली, तो बहुत ही ईजी है जैसे मैंने किया। तो आप भी यहाँ से जो है अपनी लॉक स्क्रीन स्टोरी में जो है फोटोज अपनी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो जब चैनल पे लाता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।